नमस्कार किसान भाइयों, वीएस एग्री हेल्पिंग चैनल में आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूं। मैं वीरज साग के आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों धान की फसल के बारे में। धान की फसल में सबसे ज़्यादा घेसी का प्रकोप होता है, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, पहचान कैसे करें और हम उसके लिए कैसे कंट्रोल करें उसके बारे में आज हम फुल डिटेल में आपको जानने वाले हैं। दोस्तों मैं घेसी तो कंट्रोल कराऊंगा, उसी के साथ में आपकी दीमक भी कंट्रोल हो जाएगी, सुंडी भी कंट्रोल हो जाएगी। इतना सिंपल सा आपको मैं एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको सुंडी भी खत्म हो जाएगी, दीमक भी खत्म हो जाएगी और आपकी लाल घेसी भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा आपको ज़बरदस्त रिजल्ट किसी में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए हमारे दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहेगा और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं सबसे पहले तो कि घेसी की कंडीशन क्या होती है। दोस्तों घेसी अगर आपके खेत के अंदर धान के अंदर लग जाती है तो दोस्तों उसकी पौधे की चेंजिंग आने लगती है। पौधे में आप देखेंगे कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं, निचली पत्तियां होती हैं, वो निचली सतह से क्या है, जो निचली वाली पत्तियां होंगी वो आपकी हल्के हल्के किनारे से लाल पड़ने लगती हैं। उसके बाद में वो हल्के हल्के पौधा ऊपर के लिए भी बढ़ने लगते हैं, पत्तियाँ ऊपर वाली पत्तियाँ भी लाल पड़ने लगती हैं किनारे से, और वो पौधा पूरा हल्के हल्के करके सूखने लगता है और पौधे की कोई भी ग्रोथ नहीं होती है, ना फुटाव कर पाता है, ना वो सही तरीके से ग्रोथ कर पाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों वो केवल एक जिंदा रहता है वो हल्के हल्के, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जो हमारी लाल घेसी होती है वो जड़ पे बैठी हुई होती है और जड़ पे बैठने के कारण वो पौधा भोजन पूरी तरह से उसको पौधे को नहीं मिल पाता, क्योंकि जो भी जड़ भोजन बनाती हैं, भोजन को लेती हैं, वो टोटल भोजन अपना जो घेसी जड़ पे बैठी हुई होती है वो खा लेती हैं उसको, और उसका रस पूरी तरह से चूस लेती हैं और खा लेती हैं उस भोजन को, जिससे कि वो पौधे को पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ना तो पौधे की वृद्धि होती है, ना उसमें फुटा होता है, ना कल्लू की संख्या निकल पाती है, ठीक है, जिसके कारण हमारा पौधा भी पूरी तरह से डैमेज होने लगता है। दूसरी बात करेंगे कि दोस्तों इसके कंट्रोल के बारे में हमें क्या करना चाहिए, या फिर आपको पौधे को उखेड़ के भी देख सकते हैं। पौधे को जब आपका कोई पौधा हो खेत में आप जाएंगे तो आपको जो सबसे डाउन पौधा लग रहा है उसको आप हल्का पानी हो उस वहाँ पे आप उखेड़ के देखिएगा। उखेड़ने के बाद में उसमें छोटी छोटी आपकी घेसी टाइप की होंगी, मतलब लाल कीड़ा होता है जो आपका घेसा होता है, सेम उसी की कंडीशन में दिखाई देता है। पतली ये बहुत बारीक होता है, घेसा थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, लेकिन घेसा हमारा लाभदायक होता है और ये हमारी घेसी हानिकारक होती है, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है हमारे किसान मित्रों को। तो इस तरह आप इसको कंट्रोल के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या डालना चाहिए, उससे आपकी घेसी भी कंट्रोल हो जाएगी, दीमक भी कंट्रोल हो जाएगी और आपकी सुंडी भी कंट्रोल हो जाएगी। चलिए दोस्तों हमारे साथ में बने रहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कंट्रोल के बारे में। तो दोस्तों आपको क्या लगाना है, मैं एक कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे नंबर एक पे आपको लेना है क्लोरोफायरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन, जो कि आप क्लोरोफायरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% आपको मिल जाएगा हमला नाम से। हमला एक घरना कंपनी का आता है, आप उसको ले सकते हैं 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसी के साथ में आपको लेना है थाइमोक्सम FS, जो कि आपको UPL का रेनो नाम से मिल जाएगा। दोनों को मिक्स करके आप खेत के अंदर डाल सकते हैं। दोनों की डोज मैंने बताई, जैसे कि हमला आपको लेना है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और आपको रेनो लेना है थाइमोक्सम FS आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों को मिक्स करके और आप किसी मिट्टी या फिर रेत में आप अच्छी तरह से मिक्स करके और खेत के अंदर बिखेर दीजिएगा, ठीक है। आपकी पूरी तरह से उसमें दीमक भी खत्म हो जाएगी, प्लस सुंडी भी खत्म हो जाएगी और आपकी लाल घेसी भी पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। ये रिजल्ट दोस्तों मेरा 100% देखा हुआ है। अगर आपने किसी ने ये कॉम्बिनेशन लगाया है तो आप बताइएगा आपको किस तरह के रिजल्ट मिले। तो दोस्तों अगर आपके खेत के अंदर इस तरह की कोई समस्या आती है तो कम पैसे में आपका बहुत अच्छा काम हो जाता है, जिससे कि आपको ना तो रिजल्ट अलग से देने की जरूरत है ना अन्य कोई आवश्यकता है, ठीक है। तो इसको डालने के बाद में उसके बाद में आप कोई भी फर्टिलाइजर देंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, बढ़वार भी अच्छी होगी और कल्लू की संख्या भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद में ही फर्टिलाइजर दीजिएगा, पहले आप इसको कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल करने के बाद में ही आप कोई भी फर्टिलाइजर देना तो दीजिएगा। चलिए दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, और आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो और नए टॉपिक।